हेलो वेलकम टू द रिएक्शन चैनल। अच्छा ठगे ठगे शो ये भाई, ये क्या होगी, हम तो रिएक्शन कर रहे हैं यार। ठगे शो के कितने बड़े फैन है यार, सारे एपिसोड देखे। इस बार एक एपिसोड एक दिन लेट हो गए, कल मैंने देखा था और इसने मेरे को कल देखने नहीं दिया। कल तू क्या देख रही थी है? कल से गुल्लक देखना था, कल इसने दिन भर गुल्लक देखे, गुल्लक के सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 सब देख लिया है इसने। और मेरे को बोलती है शाम के टाइम गुल्लक देखते रहते, यार गुल्लक देख रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक और वो थोड़ी पार्टी वार्टी हो जाए, पेस्ट्री वेस्ट्री खा जाए। पेस्ट्री नहीं खाएंगे, पापड़ तल दिए हैं और कोल्ड ड्रिंक लेके आया, देखना ये चल रहा है हमारे। अब बोली ठगे शो देखना था, तो ठगे शो कहाँ देखती भाई? अरे ये सारे तो भाई क्या हुआ यार, तू ये मेरे को ही रोज करता रहता है, इसके जीवन में और कोई काम ही नहीं है रोज करने का। बीवी हो भाई, ठीक है ठगे शो के चैनल पे आया सेफ पॉइंट एंड गेमर फ्लीट। आपको ये थगेश शो वाला सीजन मेरे को बहुत पसंद आता है, बहुत सही। अभी देखते हैं ये वाला कैसा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बजट बढ़ता जा रहा है शो का। केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू थगेश शो सीजन 1 एपिसोड 4। वाओ गाइस, जब मैं लोगों को बोलता था ना कि मैं द थगेश शो करके कुछ बना रहा हूं, तब लोग मुझे बोलते थे कि एक शो होस्ट करना तेरे लिए खाने का काम नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 4। वेल, आईपीएल का मौसम चल रहा है एंड मैंने चैट जीपीटी को पूछा क्या इस साल आरसीबी आईपीएल जीतेगा, एंड मुझे पता चला कि चैट जीपीटी गाली भी देता है। और यार यूट्यूब कितना बदल गया है, पहले मैं देखता था अगर कोई क्रिएटर बूम कर रहा है ना तो वो ट्रेंडिंग पेज पे आता था, अब देखो द थगेश शो पे आते। खुद के शो की अभी आने वाले गेस्ट की तारीफ करते तो जो हमारे पहले गेस्ट है ये रोस्टर्स है, एंड यूट्यूब पे रोस्टर्स तो बहुत है लेकिन इनकी बात ना थोड़ी अलग है। इनमें से एक आरसीबी का अनऑफिशियल 12th मैन है तो दूसरी महिला हेल्पलाइन की ब्रांड एंबेसडर। और जो हमारे सेकंड गेस्ट है आया है, क्या बोलूं, इनका फेस और इनकी स्माइल देख के लगता है ना वो स्माइली इमोजी होती है ना, वो इनके फेस की जगह पे चिपका दूं। यस, एंड भाई लोग बोलते हैं ना कि अच्छा गेमिंग वीडियो बनाने के लिए अच्छा स्क्रिप्ट होना चाहिए, अच्छा स्टोरी लाइन होना चाहिए। मैं बोलता हूं अगर ये बंदा खेले ना तो लोग मारियो का गेम प्ले भी 6 घंटे देखे। सो गाइस प्लीज वेलकम गौतमी एंड अभ्युदय AKA स्ले पॉइंट एंड सीधा पहाड़ से गेमर प्लीज। करते करते आ रहे हो यार तुम लोग, पर एकदम टाइमिंग पे आके बैठे हैं म्यूजिक के साथ एकदम बीट पे। थैंक यू सो मच आने के लिए। तुम लोग के नाम का ना मतलब कमेंट सेक्शन में बवाल हो रहा है इतने दिन से, स्ले पॉइंट को बुलाओ, गेमर फ्लीट को बुलाओ, बहुत ज्यादा कमेंट्स आए। तो मैंने सोचा कैरी रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो बुलाना ही पड़ा। हमारी है भाई कि उन सबको कॉल किया फिर वो नहीं आए तो तुम्हें बुलाया गया, ये अच्छी बात। मैंने एक्चुअली बहुत ट्राई किया इंडिविजुअली तुम लोग पे रोस्ट लिखने का लेकिन तुम लोग ने इंडिविजुअली कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। टुगेदर दे आर स्ले पॉइंट, इंडिविजुअली पॉइंटलेस। नहीं बट एक मानना पड़ेगा, इन्होंने अपने वीडियोस के थ्रू बहुत लोगों की लाइफ में लाइक खुशियां फैलाई है, एंड यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में विनोद नाम का रायता। कुछ तो फैलाया हमने, आपने क्या फैलाया? वायरस। तुम लोग का ऐसा है कि जब तक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक वीडियो डालते नहीं हो, ऐसा मैंने सुना है। हाँ तो मतलब उसूलों के पक्के क्यों नहीं हो तुम लोग? पर सेट यार बहुत बढ़िया बनाया, मतलब इसकी आधी भी मेहनत अगर वीडियोस में कर लेते तो आज कहाँ होते हैं। एक्चुअली लोग ना ये नया नया शो करना सेकंड चैनल थर्ड चैनल तब करते हैं जब फर्स्ट चैनल बहुत चल रहा होता है, पर शॉर्ट्स चैनल ज्यादा चल रहा है।
हाई एफर्ट में सेकंड चैनल खोलते हैं, लो एफर्ट में तीन तीन चैनल। एक्चुअली चार भी चौथा भी आ गया, थगे शो क्लिप्स सब्सक्राइब। तू बड़ा हंस रहा है। लोग यूट्यूबर जब फैन से मिलते हैं ना तो उसको क्या बोलते हैं? मीटअप। हाँ। ये जब फैन से मिलता है पता है उसको क्या बोलते हैं? स्कूल असेंबली। अरे नहीं बट लीड भाई तुम लोगों को पता है इसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा मेहनत की उसने तब जाके तेरा समय बदला, सॉरी समय रायना का कंटेंट बदला। समय रायना ने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, समय रायना ने तेरे चैनल पे रेड मारी, उसके बाद हम तीनों भी अगर 100-100 नाम लेते तब भी कम पड़ेगा। बट एनीवेज बहुत हो गया रोस्ट वोस्ट। एक मेरे पास कुछ है आपके लिए। IPL के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई तू भी RCB फैन है ना? नहीं नहीं। तो क्यों कर रहा है ऐसे? आपने ऐसे शुरुआत की थी चैनल की, याद है? देखो इनको याद नहीं यार। अरे वो उल्टा नहीं पकड़ा है, उल्टा ऐसे होता है। वहाँ माइक है। तुम लोग माइक क्यों रखते थे? अरे क्योंकि प्रोफेशनल भी लगना चाहिए। कल के कैरियोके सेट का मांग के लाया था यूज करने के लिए। और एक्चुअली फोन दिखा के जाओ तब इतना नहीं था ना यूट्यूब, 2016 की बात है, तो तब आप फोन दिखाओ तो कोई आता ही नहीं था इंटरव्यू देने, इसलिए माइक दिखाना पड़ता था कि भाई हम स्टार स्पोर्ट्स से हैं भाई अब। अच्छा आप लोग ने जैसे शुरुआत किया था सिली पॉइंट से, तभी कितना मुसीबत होता था कंटेंट बनाने में। हमारा वो कंटेंट था कि हम बाहर जाके आउटडोर्स लोगों से क्वेश्चंस पूछते थे। अब पता है यहाँ पे सब कैमरा देख के ऐसे ही डर जाते हैं, तो लोगों को कन्विंस करना कि भाई प्लीज कुछ बोल दो कल के मैच के बारे में। और वहां हमें पता चला कि आधे से ज्यादा लोग मैच देखते ही नहीं है। वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप, तो लगता है सब सब देखते हैं। हाँ, सब लोग लिटरली ओवल मैदान, आजाद मैदान, जहाँ क्रिकेट खेल रहे बच्चे, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां जाके पूछते थे। एंड दे यूज्ड टू बी लाइक हमें टाइम नहीं मिला कल का मैच देखने के लिए, तो हम ये जुगाड़ करते थे कि हम फिर आपस में, हम पांच दोस्त थे तो बोलते थे ये बोल देना। एक्चुअली हमारे पुराने वीडियोस में देखोगे तो मैं अभ्युदय का इंटरव्यू ले रही जैसे कि कोई रैंडम स्ट्रीट फुल प्रिटेंड है। पहले मतलब सड़क से Q&A करते थे, अभी चैनल पे Q&A करते हो। मेरे को ये स्ले पॉइंट Q&A पार्ट 13 लग रहा है। थोड़ी इज्जत मिल रही है वहां तो, जीरो मिलती है। और तू भाई, तू एक्चुअली फुल टाइम गेमिंग कर रहा था, फिर व्लॉगिंग में शिफ्ट हुआ, सौरव जोशी कम पड़ रहा था हल्द्वानी घूम रहा था, मैंने कहा फोन तो सभी पे होता है, कर देते हैं हम भी थोड़ा, तो कर दिया। बस बोलो ना व्यूज सोच के किया, डायरेक्ट बोलो ना भाई, एड रेवेन्यू नहीं पता क्या। गोवा में अपन आई थिंक फर्स्ट टाइम सब लोग साथ में मिले थे। हाँ एक्चुअली हम गोवा ट्रिप वाले, गोवा ट्रिप वाले हम लोग सब। एंड मैं इनके साथ ही पूरा टाइम था। एंड मेरे को पता नहीं चला ये लोग ने व्लॉग कब शूट कर लिया। मेरे को गौतम से जानना है कि इसका व्लॉगिंग स्टाइल के बारे में क्या है। अरे नेचुरली है, ये तो मुझे भी अकेला छोड़ के चला जाता है। मतलब हम दोनों खड़े है, मैं चल के जा रही हूँ, अभ्युदय है ही नहीं पीछे, वो पीछे उसका कुछ चल रहा है। अरे मुझे कुछ आइडिया आ गया था, मैंने कर दिया। देखो ये होती है, वहां जाके जगह एंजॉय करेगी, नजारे देखेगी, एक्चुअली फन करेगी भाई। कंटेंट थोड़ी ना बनता है ऐसे। मैं जाता हूँ सिर्फ कंटेंट बनाने। भाई भाई कंटेंट क्या है मैं बताता हूँ। भाई के साथ, और भाई मेरी ना आंखें खुल गई भाई कंटेंट। भाई एक कपल ने बड़े प्यार से भाई, अरे यार भाई एक हार्ट पी लिखा हुआ था, ठीक है, वो जो भी कपल होंगे उनने बड़े प्यार से लिखा हुआ था उन दोनों के नाम। क्या होता है भाई, अभी उधर भाई गए, कह रहा है वीडियो निकाल मेरी। अच्छा कैमरा पकड़, मैं कैमरा, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है। और ये दोनों मिलके वो दिल को तोड़ा। अरे उसकी और लगा। और फनी चीज क्या है पता है, जिनने वो लिखा है वो देख रहे हैं वहां खड़े। प्यार के दुश्मन। मीम सब में अपने में कॉमन चीज है। भाई मीम बनते, मीम बनाते हो और मैं मीम यूज करता हूँ, तो एक स्टार सेगमेंट है हमारे शो का, व्हाट इफ यू वेयर अ मीम। देखो क्या होता है। हेलो गाइस, हियर इज अ कॉन्स्पिरेसी थियरी, आई थिंक अभ्युदय इज गोइंग टू जॉइन द अश्लील फिल्म इंडस्ट्री। आई कैन प्रूव इट। वन, अभ्युदय इज Abhyuday has connections with Ashleel stars.
Three. Abhyuday looks like a famous Ashleen star. Kaun? Abhyuday went to Las Vegas for a secret meeting. Abhay, kya? Now you can reveal the date on our show. By when you will join the Ashleen film industry? The next category is most weird expression, and award goes to. इसके साथ रह के और नहीं यार भाई नहीं करता इसलिए कोई फ्लर्ट नहीं करता ये बहुत बढ़िया मजा आ गया ना मेरी ये बहुत अच्छा था ऐसे गंदे एक्सप्रेशन इसलिए आते हैं कि मैं इसके साथ काम करती हूँ ये देखो ये देख के क्या मुंह बनेगा ये सही बात हो गया नेक्स्ट मीम बढ़िया था ये तो अरे यार नहीं यार शुरू ही ऐसे हो गया अरे भाई भाई छोड़ो भाई ओ भाई 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 ये सही पकड़ा है सब भाई 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 कौन कर रहा है यार ये ओ भाई भाई अरे शिट अरे 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 भाई भाई मैंने एक ही जगह अटका दिए बहुत सही यार कैसा लगा भाई भाई स्कूल में तो बहुत नॉटी था एक टाइम तक था फोर्थ तक था मैं फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए फिर मैं छोड़ दिया सब ऐसा क्या नॉटी था वही मुझे मैं होस्ट बनूंगी फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसा क्या हुआ वो मुझे थोड़ा सा भाई थर्ड क्लास में पटाखा फोड़ा था मैंने स्कूल में थर्ड क्लास में हाँ थर्ड क्लास एक्ट हो गया ये तो तेरा एकदम थर्ड क्लास में पटाखे मैंने भी फोड़े थे मैं बताऊं लेकिन मैंने 10th स्टैंडर्ड में फोड़े थे और सस्पेंड भी हुआ था उसके लिए मैं उसको मुझे नहीं लगता मैंने थर्ड में पटाखे छुए भी है अकेले लगा कौन से स्कूल में जा रहे हो भाई ऐसे क्या वॉशरूम में फोड़े थे यस सर सब लोगों ने वॉशरूम पटाखे फोड़े वही जगह होती है जहां पे पटाखे फोड़ सकते हैं भाई हम लोग ऐसे करते थे कि सोचो आप पटाखा लगा के आ चुके हैं अब हम क्लास में बैठे हैं और टीचर पढ़ा रही है तो आप सोचो रिसेस खत्म हुआ है जस्ट वो पटाखा लगा के आ गए 10 बंदे 5 मिनट भी नहीं हुए क्लास स्टार्ट हुआ और वो पटाखा फटता आप किसको पकड़ोगे आप सारे बच्चे तो क्लास में अरे थर्ड में करना फिर भी ठीक है टेंथ में थोड़ा दिमाग आ जाता है थैंक यू तब थोड़ी बदमोशी आ जाती है ना अंदर तो अभ्युदय गौतम ही डर लगता है कभी लोग पीछे भागेंगे क्योंकि तुम लोग भी रोस्ट करते हो जैसे मैं करता हूँ आपके टाइप का करते ही नहीं है नहीं मतलब हाँ वो तो है एक मैंने नोटिस किया कि लोग पर्टिकुलर बंदे को रोस्ट करते हैं या पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं आप पता नहीं इन सोसाइटी जनरल टॉपिक्स पे करते हो तो कभी ऐसा हुआ है बिहाइंड द सीन्स पंगा या कुछ कभी ऐसा
क्योंकि तुम्हारे पंगे में मेरा भी नाम आ गया था, मैंने तो कुछ किया नहीं था, इतने कितनों का नाम आ गया था ऐसे ही पता नहीं हमारी टॉप 10 रोस्टर सर टीचर्स जो नाम आया सब गलत, कोई बात नहीं होता रहता है। तेरे पीछे तो नहीं भागते होंगे, तेरे को तो टेंशन नहीं है कुछ? ना ना भाई मस्त है, बट फैंस है। हाँ अभी क्या क्रेजीएस्ट ऐसा कोई फैन वगैरह मिलते है तेरे को? तुम्हारे साथ हुआ है कभी ऐसा कोई क्रेजी फैन मोमेंट? हाँ मेरे साथ हुआ है। मतलब फैंस जब आपको पब्लिक में देखते हैं तो वो वेट करते हैं ना कि कब फ्री होगा फिर जाके मिलेंगे। तो ये लड़का देख रहा था मुझे, मैं खाना वाना खा रहा हूँ, बीच में मैं उठ के वॉशरूम गया, तब इसने डिसाइड किया कि मैं इससे बात करता हूँ अंदर जाके। हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसको हल्का होना नहीं था, वो साइड में खड़ा हो गया मेरे और उसको मन हल्का करना था। हाँ वो मुझे मेरा चेहरा देख रहा है तब तक ठीक है। और उसने बोला ये तो छोटा यूट्यूबर है। फिर मैं हल्का हो गया, मैं जा रहा था हाथ धोने, पर हाथ धोने से पहले ही वो फैन ने अपना हाथ बढ़ा दिया। और मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे मैंने उसका हैंडशेक रिजेक्ट किया तो मैं लगूंगा रूड। तो मैंने भाई मिला लिया हाथ और फिर उसने सेल्फी भी ली वॉशरूम में। तो और वो फिर बिना हाथ धोए बाहर चला गया। मैंने तो हाथ धोया, ट्रांसफर हो गया। हाँ ट्रांसफर तुम्हारे साथ हुआ है? इतना बुरा तो मेरे साथ अजीब अजीब होता है। मतलब मेरे घर पे लव लेटर आए हुए हैं, कोई लड़के कुछ अजीब ही एड्रेस बोल के कहीं से किसी किसी घर में जाके फिर मेरे घर आके मेरे पापा से लड़े हैं कि नहीं मुझे तो मिलना ही है उससे। और इतना अजीब था पता है, वो मुझे प्राउडली बता रहे थे कि हम ना वहाँ रहते हैं पर हमने आपकी बिल्डिंग ऐसे देखी थी, फिर हमने आपके वीडियो में ऐसे एंगल से देखा, फिर हमने आपके फ्लोर काउंट किए, फिर हमने आपका घर गेस किया, फिर हमने वॉचमैन को ऐसे झूठ बोला, फिर हम वहां से भाग कर आए और फिर हम ऐसे एंटर किए। एडवेंचर देख रहे हो। फ्लीट तुम्हारा कोई क्रेजी मोमेंट? भाई एक बहुत ऑकवर्ड मोमेंट जरूर हुआ है, क्रेजी पता नहीं भाई। अच्छा हाँ तो भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट मेरे घर के बाहर एक शराब, इसलिए हम लोग भी मतलब भाई भाई बहुत बोलते हैं। हाँ, बोल, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है वो हो रहा है ज्यादा। हाँ भी बैठा हुआ था, ठीक है? ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ओके तो भाई लिटरली 10 बच्चे क्या नहीं होता, ठीक है? हमने आपकी बिल्डिंग ऐसे देखी थी, घर गेस किया, देख रहे हो? पता नहीं भाई। अच्छा हाँ तो भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, बट मेरे घर के बाहर एक शराबी बैठा हुआ था, ठीक है? ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ओके तो भाई लिटरली 10 बच्चे आ गए, ठीक है, घर के बाहर, और वो भैया भैया चिल्ला रहे, मैं तो लेकिन कमरा कुंडा लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो जो शराबी बंदा था मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, वो कह रहा है रुको बच्चों मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसने मेरे गेट वेट खोल के अंदर से हाथ वाथ डाल के कैसे गेट खोला, वो अंदर मेरे कमरे में आ गया है। वो मतलब मैं शायद से टॉयलेट गया हुआ था जस्ट। अब आप सोचो कि आप टॉयलेट जाओ 2 मिनट और आप यहाँ पे वापस आओ और हम तीनों के साथ एक शराबी और 10 बच्चे और। हैप्पी बर्थडे, चलो साथ पैक लगाते हैं। और वो ऐसे करके बैठा हुआ ऐसे करके, अरे बेटा तुमसे मिलने आए हुए। मैंने कहा कौन है तू, कौन है पहले तो, कौन है अंदर, कौन है भाई, क्या चल रहा है? So, अभी दे। तो मतलब यूएस का मैंने व्लॉग देखा तेरा, तेरा एक प्रॉब्लम बहुत है, तू जाता है तो तेरे को थोड़ा जेट स्प्रे का वो इट्स अ थिंग। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, जब रोज सुबह बाहर निकलना होता है ना, मैं रेडी होके अपने रूम से इसको कॉल करती हूँ, हो गया क्या रेडी, हो गया क्या रेडी, फोन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद मैसेज आएगा मैं ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद कम से कम 45 मिनट्स में खाली बैठी रहती हूँ अपने रूम में क्योंकि ये ट्राई ही कर रहा हूँ। ओरिगामी करनी होती है यार, पूरा उसको फोल्ड करके। अरे वहाँ का खाना ही ऐसा है, कुछ ब्रेड ब्रेड खाओगे कैसे निकलेगा। लोगों का सपना होता है प्राइवेट जेट होने का, इसका सपना है बस जेट स्प्रे। तो जैसे अपने शो का नाम थगेश शो है, तो थोड़ा
थग टॉक्स भी होना चाहिए ना, थोड़ी तरक्की की जो स्टोरीज है लाइफ की वो चाहिए। सो बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, थग टॉक्स। तू ही एक्साइटेड दिख रहा है, पहले तू ही बता दे। तो फिफ्थ में हम लोग ना एक्चुअली एक जगह गए थे, कूल की ट्रिप थी, फ्री ट्रिप थी, बस उसके 5 रुपए देने थे, वो 5 रुपए भी एक्स्ट्रा फॉर अ पेटिस। मेरे पापा वहां पे बस कंडक्टर थे उसी स्कूल में, तो मेरे को फ्री में ले गए। तो हुआ क्या कि जब हम लोग अंदर गए तो पेटिस सब बच्चों को दे रहे थे, मेरे को भी दे दी उन्होंने, मैंने खा ली वो मस्त करके, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा लास्ट में बच गया जिसको पेटिस नहीं मिली। तो टीचर ना थोड़ा सा ऐसा बदतमीजी कर रहे थे कि अरे ये देखो ना, पहले तो फ्री में आया इधर घूमने के लिए, इसने पेटिस खा ली, वो बच्चे को नहीं मिली, देखो वो खाली बैठा हुआ है, दे रही थी बेसिकली, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ऐसे करके। जब तक मेरे पापा ने ला के बाहर से 5 रुपए की पेटिस उस बच्चे को दी, तब तक वो बोलती ही रही बस टीचर्स में, वो ऐसा सीन हो गया था। तो मतलब अभी जैसे अभी तो भाई थगेस्ट में बैठे हुए और उसके बाद चाय लगा सकते हैं। आप लोगों का तो हम लोग जब चैनल स्टार्ट किए थे ना, तो जो आंटियां रहती है बिल्डिंग में, तो वो हमारे पेरेंट्स को डिस्करेज करते थे कि आपका बेटा क्या क्या कर रहा है आजकल, मतलब पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या कर रहा है, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। मजाक सा, मतलब मेरे बच्चे ऐसे करते ना तो मैं तो कब का डांट के बंद करा देती, तुम टॉलरेट कैसे करते हो तुम्हारे घर पे शूट ऐसे। हाँ मतलब 12-12 घंटे आप अलाउ कर रहे हो अपने घर पे शूट, मतलब मैं तो अलाउ नहीं करती यार, मैं तो नहीं करती अपने बच्चों को। पैसे वैसे आ जाते हैं सच में, कुछ कमा वमा लेते हो ऐसे, मतलब हमेशा हर चीज में कुछ तो निकालना ही होता था बेसिकली। okay. हाँ, और उसके बाद अभी वो आंटियां, सेम आंटियां आती है जब हम नीचे वॉक कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, टिप्स दे दोगे हमें अपने बच्चों को भी, थोड़ा यूट्यूबर बनाना है, स्टार बनाना है, तो प्लीज आप थोड़े टिप्स दे दो यार। होता ही है। स्टोरीज दोनों की बहुत अच्छी थी, पैटीज वाली स्टोरी आई लाइक इट, पैटीज नाइस, बट विनर एक ही हो सकता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, देखो इसमें एक भी नाम नहीं चिपकाया है। ओके ओके ओके, 3 नाम के प्लेट है हमारे पास, सो विनर इज स्ले पॉइंट। थैंक यू थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस, तालियां। तुम तो मेरे को पकड़ ले ले घर ला। चलो एक तो अवार्ड आया कुछ घर पे दिखाने के लिए, तो क्वालिटी क्यों चेक कर रहा है, थोड़ा सस्ता है। हाँ तो अभी गेस्ट के हिसाब से ही। दैट्स इट, बढ़ते हैं हमारे गेमिंग सेगमेंट की ओर, लेवल अप। यहाँ मजा आएगा, यहाँ मजा आएगा। वेलकम टू लेवल अप गाइस, आज क्या गेम है? डूडल शोडाउन, सिंपल सा गेम है, 2 बाउल्स है मेरे पास, एक में टास्क के चिट्स है, एक में डेयर के चिट्स। ओके, जो टास्क के चिट है इसमें चिट में टाइटल लिखा होगा और कैटेगरी लिखी होगी, तो आपको कैटेगरी रिवील करनी है लेकिन टाइटल रिवील नहीं करना है। ओके, सिंपल, एंड उसमें जो भी लिखा होगा वो आपको ड्रॉ करना है। Okay. एक बंदा स्केच करेगा, एक बंदा गेस करेगा, एंड एक और बात बता दूं, गेस करने के लिए 45 सेकंड्स होंगे, और अगर 45 सेकंड्स में नहीं गेस कर पाए तो डेयर करना पड़ेगा, एंड अगर मुंह से आवाज निकाली चीटिंग की आगे पीछे तो फिर डेयर करना पड़ेगा। अभिदय और मेरी आरसीबी है ना, और गेमर भाई और गौतम की आरसीबी बोल दिया है लूजिंग, ठीक है यार, ये मेरी साथ में निकाल ले, एक ही चीट। कैटेगरी है सॉन्ग्स, सॉन्ग कैसे ड्रॉ होता है, सॉन्ग, अब वो तो हमें भी नहीं पता है क्या सॉन्ग है। 3, 2, 1 गो। ठीक है, कैटेगरी सॉन्ग्स है, याद है। ओके ओके, आदमी आदमी। ओके, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, बिल्डिंग रोड, वो डॉलर, वो बस्ती बना रहा है ना, वो बिल्डिंग भी है, हट भी है, बंगलो भी है, पैसा पैसा, पैसे से रिलेटेड है, मुझे नींद ना आए, पैसा, अरे बस्ती बस्ती गाना नीचे लिखा हुआ था ना, चेन चला गया, चेन चेन नहीं चेन, बहुत नया गाना, रिसेंट गाना, क्या था यार, अरे इससे तो क्या बताओ, बताओ गाना क्या था, बस्ती रोड बनाया, दिखाई नहीं, अरे मैं देखा नहीं, मैं इतने ध्यान से वो उसकी ड्राइंग चेक कर रही थी, अच्छा ठीक है, मेरा पूरा फोकस ड्राइंग पे था, मैं चीटिंग नहीं करती ऐसे इसकी तरह, मैं तो देख लेता क्या लिखा हुआ, सिंपल सादा नीचे लिखा हुआ, क्या देख रहा है, बस्ती का हस्ती, अरे इतना अच्छा एमसी स्टैंड बना है, अरे एमसी स्टैंड है ये, एमसी स्टैंड थोड़ा फोन का वो कार्टून, एमसी स्टैंड नहीं लग रहा, देखो मैं कह रही हूँ गरीबों का राजा तो बोल रहा, गरीबों का राजा और
तूने रायता फैलाया, निकाल डर अभी। क्या करना है इसको, पढ़ना है? पढ़ो क्या है? Sell a pen on Shark Tank in 1 minute, यार आप। ठीक है चल, मैं भेजता हूँ। Done, done, done. अगला contestant कौन है? मैं। Yes. Hello, welcome to Shark Tank India. Hello sharks. मैं लाया हूँ एक पेन। यार क्या कर रहा है तू? अरे सुनो तो, ये पेन से आप अपनी किस्मत लिख सकते हो। तो आपने अपनी क्यों नहीं लिखी? Sharks. मैं इस पेन के लिए डिमांड करता हूँ 100 रुपए। भाई तू पागल हो गया, ये अगर मैं अभी जाऊँ ना यार, रहा है यार ये बहुत सही। अच्छा मैं भी नहीं मिल लिए पेन। मैं 100 रुपए कैपिटल डिमांड कर रहा हूँ पेन के, नहीं पर 90% इक्विटी इन माय कंपनी। तो कंपनी भेज दी, मेरा ऑफर लेना चाहेगा? नहीं नहीं भाई, पहली बात तो हम ऑफर ही नहीं दे रहे हैं, छोड़ो यार। चलो पेन फ्री में। अच्छा मैं बच गए हमारे राउंड टू। ये किस्मत में जो आया वो छुपा के देखो। अरे सो कैटेगरी है मीम। 3, 2, 1, go. मछली, मछली इसी का ही तो है। ये सब मीम कौन सा? ये अभी जो शार्क टैंक का नहीं, सब दुगलापन है, सब दुगलापन है। आगे जाओ। बोट, बोटिंग। शार्क टैंक की कोई मीम है? कीबोर्ड। यह दिल है। ये क्या बना रहा है भाई? शार्क टैंक की मीम है। दुगलापन बना रहा है, है ना? अच्छा ये इग्नोर करना है क्या पूरा? बोट का ये, हाँ ये देख ले, ये वाला। हाँ ये अश्नीर पहना हुआ, अश्नीर पे मीम है। गोल फेस। हाँ लव, लव बॉक्स। बोल बोल बोल, दोगलापन उतारता हूँ तेरा। मैंने बोला था भाई क्या फिश का, फिश टैंक क्या वो? शार के वो फिश टैंक। भाई अश्नीर नहीं लग रहा है क्या? और इधर दो पान, दुगला पान कि दिल बना है बोलता, दो उंगली है। देखिए वो ऐसा करते हैं ना अश्नीर, वो है ये। जितना गंदा उतना गंदा। ए ये तो तेरा फेवरेट है यार। मेरा फेवरेट क्या? तूने कहीं तो किया था शादी में ट्वर्क? चलो भाई ओ आजा आजा, करना है तो आजा तू भी। ठीक है। अरे गेस्ट किया तूने। अच्छा भाई फाइनल राउंड है, जीतने का बॉय। क्या बोल रहा है घटिया अपने टीममेट को हेट कर रहे हो? देख यार कैटेगरी है सॉन्ग्स अगेन। ओके सॉन्ग ठीक है तो पता ही नहीं है। 3, 2, 1 गो। चलो 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 चलो। हाँ लव, दिल। क्या दिल पे उंगली? ये उंगली है कि दिल है? अब दिल पे गोली मारी है। दिल 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 पे गोली। तो नाम भी अच्छा लगा है, पहली बार सुन रहा हूं। दिल चीटी। दिल बाइक चला रहा है। दिल बाइक चला रहा है। दिल पे गोली से ही है कुछ। बाइक पे ले गया दिल, चीटी पे ले गया दिल। आंखों से गोली मारे? नहीं दिल स्कूटी। एक गेस तो मिलेगा, दिलों का शूटर है। फ्लर्ट विद एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सेट। ऑब्जेक्ट है चेयर। मुझे बुरा लग रहा है। कम ऑन गौतमी, हो जाएगा। बहुत भोली सी चीज है ना, कुछ ऐसा हैंड भी नहीं है उस पे ऐसा कुछ। कैसे तेरे लिए बैठी है देखना, दोनों करो साथ में। चलो मैं करता हूँ। रो ब्रो, पीछे देखना मत, बट पीछे एक लड़की खड़ी है, वो तेरे को बहुत देर से देख रही है, ठीक है? वो बोल रही है कि बैठना है। क्या 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 बैठ। भाई बहुत ही गंदे लोग हैं यार, गदर यार कहते ही। भाई चेयर पे तो बैठेंगे ना। मैं तू सेम चीज कर इसके लिए। सुन
पीछे एक लड़का है, बहुत टाइम से चेप हो रहा है, घूरे जा रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो बता देना, घर चलते हैं। अच्छा ठीक है, वो आ रहा है, उससे बात कर ले। तुम्हें मेरी दोस्त ने तो बता दिया होगा मेरे बारे में, कितना कूल हूँ मैं। तो मैं पूछ रहा था कि अगर पूरे बार में कहीं पे भी जगह नहीं है तो अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो चलेगा? ये बैठने के बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग स्ले पॉइंट एंड गेमर सीट। मेरे पास थोड़े गिफ्ट्स हैं आपके लिए। अरे वाह, हाँ सबको अलग अलग मिले भाई। ये पोर्टेबल जेट स्प्रे आपके लिए, ठीक है भाई, काम आएगा, थैंक यू। ये क्या है? ये महिला हेल्पलाइन पे फोन करने के लिए फोन। सब औरतों को मिलेगा ये। क्या ये? टी-शर्ट। टी-शर्ट स्माइली वाली। अच्छा सारे इमोशन। स्माइली इमोजी पे फेस चिपकाऊंगा। Thank you for coming. Thank you. Budget बढ़ गया, budget बढ़ गया। Thank you guys. Do like, comment, share. अच्छे views जा रहे हैं, trending जा रहे हैं भाई, trending जा रहे हैं, तो budget नहीं बढ़ेगा क्या? ये वाला video बहुत खतरनाक था। बहुत सही, बहुत सही। Gaming video actually हमने देखे नहीं है, लेकिन क्योंकि gaming video हम लोग नहीं देखते हैं। हाँ। पर आप चाहते हो कि हम लोग देखें तो हमें बता देना, हम लोग बेकार कुछ ना कुछ के videos, vlogs वगैरह देख सकते हैं। Gaming के बारे में इतना तो पता नहीं है, पर ठीक है, try कर लेंगे आप लोगों के लिए। मस्त, बहुत बढ़िया video था, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खतरनाक थे बस, सबके साथ खतरनाक। हंसते हंसते ऐसे एक तो स्टार्टिंग से एंड तक हंसे ही जाओ, कुछ थोड़ा सा ब्रेक तो लो। तो स्टार्टिंग से आते से ही ठगेश का रोस्ट चालू हो गया, मीम्स बहुत सही बनाए थे यार। सब एक रोस्ट वाले, हाँ सब रोस्ट वाले, सब रोस्ट वाले, ये बस सब रोस्ट वाले थे। और ऊपर से अभी बताया कि सब लोग गोवा में मिल चुके हैं, मतलब बहुत क्लोजली ज्यादा क्लोज है, एक दूसरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है, काफी क्लोज है, सब एक ही रेंज के, तो सब बढ़िया, आपने ज्यादा चला हुआ, मजा आ गया यार। और भाई भाई वाला तो बाप रे, ये तो मतलब हम लोग को जेनेटिक है यार, हम सब भाई भाई बोलते रहते हैं एक दूसरे को, लाइक मैं स्पेशली, मैं बहुत ज्यादा इसको भाई बोलती हूं। तो मैंने एक भाई क्यों बोल रही है, मैंने कहा ए भाई वो वाला भाई थोड़ी है, ये तो सलमान खान वाला भाई, बुलाने वाला भाई है भाई, ए भाई ये सलमान खान वाला भाई है, लाइक भाई 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 ओ भाई ओ भाई ओ भाई। तो मतलब अपन कुछ ओवर एक्साइटमेंट बोलते हैं तो भाई निकल जाता है, ये इंडियन इंडियन मेंटेलिटी, अपने आदत है, अपने आप आदत में रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नई चीज नहीं है। तो चलिए गाइस, यहां करते हैं हमारा रिएक्शन, सब कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन प्लीज कमेंट करके हमें बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।